गाइस, गारी क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वायरलेस माउस तक। लास्ट क्लास में हमने देखे थे स्टोरेज डिवाइसेस और क्या बोलते हैं हमारा इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में वायरलेस माउस तक मैंने आपको कल मतलब लास्ट क्लास में जो था वो हमने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हमारा जो रहेगा जॉयस्टिक से आगे वाला पोर्शन रहेगा और आज के सेशन में ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा, जो कि हमारे हेल्पफुल रहेगा किसमें, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दोनों ही पार्ट्स में। ठीक है गाइस, मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे सेशन की तरफ, जो कि है जॉयस्टिक से स्टार्ट। जॉयस्टिक क्या है? एक मॉडर्न एज इज़ फास्ट एंड इट इज़ एज ऑफ वेरी रियल लुकिंग 3D गेम्स। ठीक है, तो मेनली जो है ये 3D के लिए अवेलेबल होता है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा होता है ये द पीपल हैविंग द मोस्ट सुटेबल मीन्स कैन एन्जॉय इट टू द फुल। मतलब ज़्यादातर ये गेम्स में यूज़ आता है। इन द बिगनिंग द गेम्स वर प्लेड ऑन द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड एंड माउस। स्टार्टिंग में जो कीबोर्ड और माउस की वजह से साथ में खेले जाते थे गेम्स, बट नाउ इट इज़ मैनी डिवाइसेज जॉयस्टिक्स लाइक आर अवेलेबल। और आज के टाइम में क्या है, जॉयस्टिक जो है वो अवेलेबल हो गया है। इन जॉयस्टिक ए लेवलर और हैंडल इज अटैच टू द ट्रैकिंग बॉल विच कैन रोटेट एंड मूव ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन। और स्क्रीन पर जो भी ग्राफिक्स मूव करवाते हैं वो इसके लीवर या फिर हैंडल से हम मूव करवा सकते हैं। देर इज़ अ बटन विच इज़ यूज टू फायर इन द गेम्स। और इसमें एक बटन होता है जो कि क्या काम आता है, फायर करने का काम आता है गेम्स के अंदर। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, जो कि है हमारा स्कैनर। स्कैनर जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। हम इसे डेटा ले सकते हैं, फिगर्स दे सकते हैं, किसको, कंप्यूटर को दे सकते हैं। इट कैन सेव फोटो एंड डेटा ऑफ बुक इन द फॉर्म ऑफ इमेज। इमेज की फॉर्म में करता है ये डेटा को सेव, और इसको जो है ये कन्वर्ट करता है किसको, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जो है हम इसी सेशन में आगे देखते जाएंगे क्या होता है, किसकी मदद से करता है ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट, स्कैनर की हेल्प से करता है। आता है नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस, वो है हमारा वेब कैमरा। वेब कैमरा जो है वो ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। विद द हेल्प ऑफ वेब कैमरा वी कैन सी द लाइव पिक्चर्स। लाइव पिक्चर्स हम देख सकते हैं। वेब कैमरा इज़ यूज इन द ऑनलाइन वीडियो चैटिंग। ऑनलाइन वीडियो चैटिंग में भी काम आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी काम आता है, ऑफिसेज, डिपार्टमेंटल स्टोर और अदर प्लेसेस जो है वहाँ पर भी यूज़ आता है। किसकी में, वॉच द एक्टिविटीज़ देखने के लिए। ये सब चीज़ें आपने देखी भी होगी रियल लाइफ में, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इनको समझने में। डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा जो है द फोटो कैप्चर्ड बाय द डिजिटल कैमरा इज़ कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डेटा। यानी जो फोटो हम लेते हैं डिजिटल कैमरा से वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। डिजिटल कैमरा इज़ वर्किंग प्रिंसिपल इज सिमिलर टू द अदर यूजिंग यूजुअल कैमरा के। इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं, नॉर्मल कैमराज के जैसे सेम होते हैं। इन दिस द फोटो विच वी वॉन्ट टू कैप्चर इज फोकस्ड विद द हेल्प ऑफ लेंस। दिस इज़ एन ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। ये एक ऑफलाइन इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है, स्टोर करता है फोटो को। इट हैज़ वन स्क्रीन ऑन वन ऑन विच वी कैन सी द कैप्चर्ड फोटो। इसकी एक स्क्रीन होती है जिसपे हम जो भी फोटो हमें देखी खींची हुई होती है वो हम देख सकते हैं। फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर इजीली हम देख सकते हैं। करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा लाइट पेन। लाइट पेन क्या होते हैं, जो कि हमारे आजकल ऑनलाइन क्लासेस में जनरली काम आते हैं। लाइट पेन शेप्ड गुड कंडक्टर ऑफ लाइट। इट इज़ कनेक्टेड टू कंप्यूटर विद ए केबल। कंप्यूटर से केबल से कनेक्ट हो जाते हैं। इट इज़ यूज फॉर राइटिंग डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर राइट करने के काम आते हैं। इट इज़ यूज मेनली फॉर ग्राफिकल वर्क दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसको हम कैड भी बोलते हैं। कैड में काम आते हैं ये मेनली। ठीक है गाइस, तो कैड में ये काम में आते हैं आराम से। अब आती है बात हमारे लाइट पेन को यूज़ करने के लिए स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर जो है वो हमें यूज़फुल होते हैं। करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की मूव, जो कि है डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र क्या है, एक टैबलेट है जिसपे हम जो है जनरली ड्राइंग सरफेस का एरिया होता है ये। वन पेन और माउस जो है वो अटैच होते हैं इससे। दिस टैबलेट हैज़ नेट ऑफ थिन वायर्स। इस टैबलेट के पास में क्या होता है, थिन वायर्स के नेट अवेलेबल होता है। व्हेन वी राइट बाय पेन द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड टू द कंप्यूटर। जैसे हम इस पे लिखते हैं वैसे इसमें क्या होता है, सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं कंप्यूटर पे। द वन स्कैनिंग हेड इज़ ऑन द टॉप ऑफ इट्स। इट इज़ यूज टू गेट द ग्राफिकल पोजिशन ऑफ द कैरेक्टर। विद द हेल्प ऑफ इट वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज ग्राफ टेबल। इसको हम ग्राफ टेबल
के काम मतलब ग्राफ जो है वो बनाने के काम में भी लेते हैं, तो इसको हम क्या जनरली कहेंगे, ग्राफ टेबल कहेंगे। करते हैं मूव नेक्स्ट माइक्रोफोन के पे। माइक्रोफोन क्या होता है, हमारा इनपुट डिवाइसेस होता है जिससे हमारा क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं हमारी वॉइस को किस में, डिजिटल फॉर्म में, और ट्रांसमिट करवाते हैं किस पे, कंप्यूटर पे। इट इज़ मेनली यूज्ड इन ऑफिसेज और कॉल सेंटर्स में ये काम में लिया जाता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। अभी तक हमने देखे इनपुट डिवाइसेस, ठीक है गाइस, स्टोरेज डिवाइसेस, और अब आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेस। ये आज के हमारा लास्ट पॉइंट मतलब मैं बोलूँ टॉपिक रहेगा सेशन का। इसके बाद जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी को प्लीज़ इशू हो तो आप पहले वाले वीडियो में जाके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस को अच्छे से देख लें ताकि आपको कोई आगे प्रॉब्लम ना आए ICT और कंप्यूटर के टॉपिक के अंदर। तो मेनली हम देखेंगे कि आउटपुट डिवाइस होते क्या है। तो फंक्शन क्या है आउटपुट डिवाइस का, कि कोई भी रिजल्ट जो होता है, चाहे वो डेटा या इन्फॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन, वो हमें पहुंचा है किसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, ठीक है। तो द डिवाइसेस, ये जो डिवाइसेस होते हैं ये किसको कन्वर्ट करते हैं, 0 और 1 जो बिट लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर की, उसको कन्वर्ट करते हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस में, और डिस्प्ले करते हैं रिजल्ट को किस में, मॉनिटर पे, स्पीकर पे, या प्रिंटर पे, या प्लॉटर पे। ये एग्जांपल्स हैं किसके, आउटपुट डिवाइसेस के। तो रिज़ल्ट जो है वो दो तरीके से आता है, दो तरीके से हम रिसीव करते हैं कंप्यूटर से, पहला सॉफ्ट कॉपी, दूसरा हार्ड कॉपी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टर्म आई भी थी तब मैंने कहा था कि हम डिटेल में आगे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, इफ़ द रिजल्ट कैन बी व्यूड ऑन द स्क्रीन और रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड, इट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी। मतलब जो चीज़ अगर हम मोबाइल में देख रहे हैं या कंप्यूटर में देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये क्या होती है, डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं या स्क्रीन पर अवेलेबल होती हैं, तो ये हमारी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। इफ़ दीज रिजल्ट्स आर स्टोर इन फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क और माइक्रोफिल्म, और ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में स्टोर होती हैं, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क और माइक्रोफिल्म में जो अगर कोई चीज़ स्टोर हो रही होती है तो उसको भी हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। इसके अलावा जो अगर मैं बात करूँ किसी प्रिंटेड चीज़ पे अवेलेबल हो रही है, वैन द रिसीव रिजल्ट्स आर प्रिंटेड ऑन पेज वाया प्रिंटर प्लॉटर, इट इज़ कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। अगर हमारे पास में कोई पेज की फॉर्म में अवेलेबल है, वो पेज किसी से भी प्रिंट हो सकता है, वो पेज प्रिंटर से भी प्रिंट हो सकता है और प्लॉटर से भी प्रिंट हो सकता है, ठीक है गाइस। तो अगर हम आगे देखेंगे प्रिंटर और प्लॉटर के यूज़, पहले हम बस यहाँ इतना देख लेते हैं कि जो हार्ड कॉपी होती है वो प्रिंटर और प्लॉटर का आउटपुट की तरीके निकलती है। तो अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट प्रिंटर एंड मॉनिटर। मॉनिटर और प्रिंटर के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मॉनिटर के बारे में बताती हूँ। मॉनिटर क्या होता है, जनरली हमारा आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है गाइस। तो आउटपुट डिवाइस होता है जो ये क्या दिखाता है हमें, ये हमें दिखाता है हमारी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्क्रीन के ऊपर। द कंप्यूटर मॉनिटर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस, द यूज़र इंटरेक्ट्स विद कंप्यूटर थ्रू द मॉनिटर, इट इज़ टेलीविजन शेप्ड एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट, दैट इज़ VDU, ठीक है। तो हमारे मॉनिटर भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, दैट इज़ CRT मॉनिटर और FPD मॉनिटर। CRT मॉनिटर हमारे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर होते हैं, और FPD हमारे मॉनिटर होते हैं, फ्लैट प्लेन डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं हमारे, ठीक है, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर होते हैं हमारे। तो करते हैं इसका थोड़ा डिस्कस इसको अच्छे से। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो होते हैं, तो दिस मॉनिटर इज़ मेनली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स होते हैं। ये टेलीविज़न जो हमारे पहले चलते थे उसकी जरह दिखते थे। दिस मॉनिटर कंसिस्ट ऑफ कैथोड रे ट्यूब, इसकी वजह से इनको CRT मॉनिटर बोलते हैं। इनकी स्क्रीन जो है वो कॉटेड होती किससे, फॉस्फोरस से। व्हेन CRT सेंड्स इलेक्ट्रॉन ऑन द स्क्रीन, इट इज स्टार्ट शाइनिंग। जो हमारा एक टर्म होता है, जो अगर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक फिल्म अगर वो फास्फोरस की बनी होती है उस पर स्ट्राइक करते हैं तो शाइनी सरफेस हमारी क्रिएट होती है, हम जनरल साइंस में देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो कि आजकल हमारे होते हैं TV जो होते हैं LEDs वगैरह, जो फ्लैट शेप्ड ये होते हैं, वो फ्लैट पैनल डिस्प्ले, दैट इज़ FPD। ए फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले यूज टू डिस्प्ले विजुअल कंटेंट सच एज टेक्स्ट और इमेजेस, दिखाने के काम आते हैं ये भी। इट इज़ प्रेजेंट इन कंज्यूमर, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के तौर पे हम इसे काम में ले सकते हैं। फ्लैट पैनल डिस्प्ले जो होते हैं वो थिन होते हैं, लाइट वेट होते हैं, प्रोवाइड बेटर लीनियरिटी एंड आर केपेबल ऑफ हायर रिजोल्यूशन देन टिपिकल कंज्यूमर ग्रेड TVs फ्रॉम अर्ली एराज। ये पहले के TV से काफ़ी अच्छे होते हैं। दे आर यूजअली लेस देन 10 सेंटीमीटर्स, यानी 3.9 इंचज़ के से भी कम होते हैं, विद द हाइस्ट रिजोल्यूशन इस पे, जबकि CRT का हाइएस्ट रिजोल्यूशन कितना था, 1080 पिक्सल्स, जबकि जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं उनका होता है 1080p 4K, मतलब इससे भी आगे पहुंच चुके हैं ये।
करते हैं मूव हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर में क्या पढ़ेंगे हम, प्रिंटर में देख लेते हैं पहले जनरली इसके डेफिनेशन, फिर टाइप्स इसके देख लेते हैं और फिर उनके एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो करते हैं बात हमारे पहले की प्रिंटर। प्रिंटर प्रेजेंट्स आउटपुट बाय प्रिंटिंग ऑन द पेज। द कॉपी ऑफ द प्रिंटेड आउटपुट ऑन द पेज इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, जो हमने देखा अभी। प्रिंटर एक्सेप्ट्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड कन्वर्ट्स देम इनटू ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्रिंट्स फास्ट ऑन द पेज दैट वी कैन रीड इट। अब प्रिंटर जो होते हैं मेरे दो टाइप के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। आगे हम इसका क्लासिफिकेशन डिटेल के तौर में देखते जाएंगे और उसी में मैं आपको इसका समझाती जाऊंगी आगे। इम्पैक्ट प्रिंटर होता है क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में देयर इज़ ए स्मॉल मेटल हैमर और प्रिंटेड हेड विच स्ट्राइक्स इंक रिबन व्हेन प्रिंट रीड्स। प्रिंट हेड स्ट्राइक्स द रिबन, द कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन द प्रिंट हेड गेट प्रिंटेड ऑन द पेपर। मतलब इसमें प्रिंट हेड पे एक मेटल हैमर लगा हुआ होता है जो कि स्ट्राइक करता है किससे, इंक रिबन से, और फिर प्रिंट करता है किसको, हमारे जो भी लेटर्स या डेटा होता है। तो अब आती है हमारी बात, इसमें कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं। तो इसमें आता है पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसको हम बोलते हैं DMP प्रिंटर। इसमें जो है सेवरल पिंस लगी हुई होती हैं जिनको हम बोलते हैं, इसके प्रिंटर हेड में जनरली सेवरल पिंस होती है, तो इसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। द पिंस स्ट्राइक द पेपर थ्रू द इंक रिबन एंड प्रिंट ए पैटर्न ऑफ टाइनी डॉट्स एंड सेवरल डॉट्स टुगेदर मेक ए कैरेक्टर। मतलब डॉट्स बनाते हुए क्या बनाता है, कैरेक्टर बनाता है। इन द प्रिंटर हेड देयर इज़ अ वर्टिकल सेट ऑफ 7, 9, 14, 18 और 24 पिंस। वर्टिकल सेट होता है इनका इस नंबर्स का 7, 9, 14, 18 और 24। द मोर द नंबर ऑफ पिंस द बेटर इज़ द प्रिंट क्वालिटी। जितने ज़्यादा नंबर के उसके पास में वर्टिकल सेट रहेगा अवेलेबल, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या रहेगी, बेटर प्रिंट क्वालिटी रहेगी। द कैरेक्टर्स कीप ऑन गेटिंग प्रिंटेड इन ए सक्सेसिव मैनर, और सक्सेसिव मैनर में जो है कैरेक्टर प्रिंट होते रहते हैं। अब जो इसकी स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड कितनी होती है, द स्पीड ऑफ DMP दैट इज ब्रॉड मैट्रिक्स प्रिंटेज इज़ फ्रॉम 330 to 600 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, इतना लिखता ही है। देर इज़ नो सॉलिड फॉन्ट इन दैम एंड सो दे कैन प्रिंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस लैंग्वेज और काइंड्स। ग्राफिक्स चार्ट्स कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड विद दैम बट द क्लैरिटी ऑफ प्रिंटिंग इज़ लेस दैन द सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर्स। पर इनकी ग्राफिक्स और चार्ट्स की जो है वो क्लैरिटी कम आती है किसके से, फॉन्ट्स के कंपेरेटिवली। दिस प्रिंटर्स कैन प्रिंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ लो सो दे आर मोस्टली यूज इन प्रिंटिंग। ये यूज़ में लिए जाते हैं किसमें, प्रिंटिंग में, क्योंकि इनकी कॉस्ट क्या होती है, लो होती है। अब आता है हमारा सेकेंड वन प्रिंटर, जो कि डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर, दिस प्रिंटर गिव्स अ चीपर आउटपुट देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट इज़ प्रिंटर विथ सॉलिड फॉन्ट, सॉलिड फॉन्ट में प्रिंट करता है ये। इट्स प्रिंटर हेड इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक एंड इज व्हील शेप्ड, मतलब ये प्लास्टिक का बना हुआ होता है, व्हील की शेप होती है इसका प्रिंटर हेड की। इट्स प्रिंट हेड रिजेंबल्स ए डेजी फ्लावर, हैंस द प्रिंटर इज कॉल्ड डेजी व्हील प्रिंटर। ये डेजी फ्लावर का जैसे इसका प्रिंट हेड दिखता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर। द व्हील हैज़ मैनी स्पोक्स लाइक द पेटल्स ऑफ फ्लावर, ऑन ईच स्पोक द सॉलिड फॉन्ट ऑफ ईच कैरेक्टर अपीयर्स। इसमें जो स्पोक्स बने हुए होते हैं वो पेटल्स के जैसे होते हैं फ्लावर के, इसी वजह से जिसमें इनके अलग अलग कैरेक्टर अपीयर होते हैं। The hub rotates at a high speed horizontally and a hammer strikes the appropriate character when it is in position the font is printed on the page. There is a ribbon between the hub and the paper. Daisy wheel printer is a slow speed printer. Its speed is 90 character per second, जबकि जो हमारा DMP printer था वो 30 to 600 characters print कर रहा था per second पे। अब आती है इसकी आउटपुट क्वालिटी की। आउटपुट क्वालिटी इसकी जो होती है वो हाई क्लास होती है, सो इट इज़ यूज्ड इन द टाइपिंग लेटर्स एंड दिस प्रिंटर इज़ कॉल्ड लेटर क्वालिटी प्रिंटर। विद दिस प्रिंटर ओनली दोज लेटर्स कैन बी प्रिंटेड विच आर अवेलेबल ओनली इन इट्स प्रिंटर हेड। मतलब जिसके लेटर्स अवेलेबल रहेंगे प्रिंटर हेड में वो ही हम इस पर प्रिंट कर पाएंगे। इट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स एट्सेट्रा, इस कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पर पेज इज़ कंपेरेटिवली हाई। अब इसकी जो है कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होगी, ऑफ कॉस्ट जो इसकी कैपेसिटी है लिखने की जल्दी जल्दी में, मतलब पर सेकंड पे बात करूँ, ये 90 कैरेक्टर्स लिखता है, जबकि जो DMP प्रिंटर्स होते हैं वो लिखते हैं 30 to 600, तो अपने आप ही कॉस्ट हाई जाएगी इसकी। अब आती है बात चेन प्रिंटर की। चेन प्रिंटर क्या होते हैं, दिस प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ चेन मेड अप ऑफ मेटल विच रोटेज एट ए फिक्स स्पीड एंड इट इज़ कॉल्ड प्रिंटर प्रिंट चेन। देयर आर कैरेक्टर्स ऑन द चेन, देयर इज़ अ फॉन्ट
ऑफ कैरेक्टर और इन ईच चिंक ऑफ चेन। दिस चेन रोटेट्स हॉरिजेंटली एंड द पेपर मूव्स वर्टिकली टू चेन। द हैमर स्ट्राइक्स एंड द कैरेक्टर गेट्स प्रिंटेड ऑन द पेज विथ हिज प्रिंटर। द एंटायर लाइन प्रिंटेड एट द सेम टाइम। दिस इज इट इज़ अ हाई क्वालिटी प्रिंटर। इट्स प्रिंटिंग स्पीड इज 300 to 3000 लाइन पर मिनट में ये इतना लिखता है। ये सारी गाइस जो थी इसकी वर्किंग थी। अब आती है बात नेक्स्ट ड्रम प्रिंटर की। ड्रम प्रिंटर क्या होते हैं हमारे? ड्रम प्रिंटर होते हैं दिस प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल ड्रम विच कैरेक्टर्स आर एम्बोस्ड। द ड्रम मूव्स फास्ट एंड द हैमर स्ट्राइक्स द कैरेक्टर एंड इट गेट्स प्रिंटेड ऑन द पेज विद वन रोटेशन ऑफ द ड्रम एंड लाइन इज प्रिंटेड। दिस इज ऑल्सो ए प्रिंटेड विथ हाई क्वालिटी। ये क्या है? इस पर ड्रम जैसा कुछ बना हुआ होता है जो ये ड्रम जो है मूव करता है फास्टली, और इसमें ये हैमर जो होता है ये स्ट्राइक करता है कैरेक्टर पे, और जो वो स्ट्राइक करता है कैरेक्टर पे तो वो कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो जाता है हमारा पेज के ऊपर। ये प्रिंटर जो है वो हाई क्वालिटी का है। अब आती है हमारी बात नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? जनरली यूज़ केमिकल, थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं कैरेक्टर्स लिखने के लिए। देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर एंड हेड एंड पेपर। प्रिंटर हेड और पेपर का जो है कॉन्टैक्ट नहीं होता, जैसा कि हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में देखा था। द क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग बाय दिस प्रिंटर्स इज़ वेरी हाई। क्वालिटी अच्छी होती है इनकी। बट दिस प्रिंटर्स कैन प्रिंट ओनली वन कॉपी एट ए टाइम एंड ए स्पेशल एंड एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस। इनके लिए हमें क्या चाहिए होता है? सॉफ्टवेयर चाहिए होता है इनका अलग से, जो भी होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वेरियस टाइप्स हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जिनमें से हम तीन जो हैं ज़्यादा जो यूज़ में आते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। पहला है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो हमारा यूज़ में आता है, जब मैं बोलूँ इसमें जो इसका कंसिस्ट प्रिंटर हेड होता है विद कंटेंस नोजल्स ऑफ टाइनी होल्स एंड लिक्विड इंक इज स्प्रेड विद नोजल्स ऑन द पेपर एंड द कैरेक्टर्स एंड इमेजेस आर प्रिंटेड ऑन द पेपर। नोजल्स में से इंक जो है वो स्प्रे होती है और वो जो इंक है वो कहाँ पर छप जाती है? पेपर पर छप जाती है, जिसकी वजह से हमारे कैरेक्टर्स और क्या है इमेजेस हमारी प्रिंट हो जाती है पेपर के ऊपर। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इन दिस प्रिंटर हाई डेंसिटी इंक इज़ यूज एंड इट इज़ स्टोर्ड इन द स्पेशल पैक कॉल्ड कार्टरेज। कार्टरेज में ये इंक स्टोर की जाती है। दैट द इंक ड्रॉपलेट्स फॉल ऑन द राइट प्लेस ऑन द पेपर फॉर दिस नोजल इज इंस्ट्रक्टेड विद द इलेक्ट्रोड। द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंटर गिव्स आउट अ क्लियर एंड हाई क्वालिटी प्रिंट बिकॉज द कैरेक्टर इज मेड अप ऑफ सेवरल डॉट्स। द प्रिंट क्वालिटी इज 300 to 600 डॉट्स पर इंच। DPI यानी डॉट्स पर इंच पे इसकी प्रिंट क्वालिटी होती है। नाउ इट इज इंक जेट प्रिंटर्स विथ मोर देन वन प्रिंटिंग हेड्स आर अवेलेबल विथ विच प्रिंटिंग इन डिफरेंट कलर्स कैन बी डन। और जो है इन पे जो मैं बात करूँ, इंक जेट प्रिंटर्स आजकल एक से ज़्यादा प्रिंटिंग हेड्स के साथ अवेलेबल है, ताकि इसमें एक से ज़्यादा कलर जो है वो हम यूज़ कर पाएँ, और या मैं बात करूँ तो हम कलर इमेजेस भी ले पाएँ ईजीली। In the beginning, the inkjet printers were expensively, but nowadays their cost have come down. शुरू में तो ये महंगे थे, बट अब इनकी कॉस्ट क्या है, थोड़ी कम हो गई है। देयर मेन प्रॉब्लम इज इंक क्लॉगिंग नोजल्स। इसकी मेन जो इनकी इंक क्लॉगिंग नोजल्स की वजह से इनकी थोड़ी सी इशू रहती है। देयर प्रिंटिंग कॉस्ट इज़ कंपेरेटिवली हाई। इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट क्या होती है? हाई होती है। अब हमारी दूसरी बात आती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। हमने देखा पहला हमारा था इंकजेट प्रिंटर जो कि इंक निकालता है अपने नोजल से। दूसरा है हमारा लेज़र प्रिंटर जो कि दिस इज़ द मोस्ट डेवलप्ड कंप्यूटर ऑफ टुडे। इट इज़ बेस्ड ऑन लेज़र बीम टू प्रिंट अ कैरेक्टर। लेज़र बीम इज पुट ऑन इट टोनर ए स्पेशल इंक पाउडर इज यूज टू प्रिंट अ कैरेक्टर। टोनर का यूज़ करते हैं हम किसी भी उसको लिखने में, कैरेक्टर को लिखने में। लेज़र प्रिंटर्स आर एक्सपेंसिव बट दे आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हाई क्वालिटी प्रिंटिंग एट ए फास्ट स्पीड एंड दे आर मोस्ट पॉपुलर नाउडेज। और ये आजकल क्या है, पॉपुलर है ज़्यादातर यूज़ करने के लिए। कलर लेज़र प्रिंटर गिव ए हाई क्वालिटी कलर्ड आउटपुट। दे कंसिस्ट ऑफ टोनर विच हैज़ ए पार्टिकल ऑफ डिफरेंट कलर्स। टोनर में भी अगर हमें कलर्ड आउटपुट चाहिए तो आजकल ये भी मतलब हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। दिस प्रिंटर्स कैन प्रिंट आउटपुट ऑन द सेम प्लास्टिक शीट और अदर शीट। मतलब ये प्लास्टिक शीट पर भी आउटपुट दे सकते हैं और अदर शीट पर भी दे देते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लॉटर की। तो प्लॉटर क्या होते हैं हमारे? प्लॉटर होते हैं, इट इज़ यूज टू प्रिंट लार्ज मैप्स, चार्ट्स, थ्री डायमेंशनल अलाइन डायग्राम डिज़ाइन और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है हम प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस बाय विच वी कैन प्रिंट द ग्राफिक्स। इट इज़ यूज टू मेक बैनर, पोस्टर,
पोस्टर वगैरह बनाने के भी काम में आते हैं। अब जनरली जो प्लॉटर होते हैं दो तरीके के होते हैं, ड्रम पैन प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। अब हमारी नेक्स्ट बात आती है आउटपुट डिवाइसेस में, जो कि है हमारा स्पीकर। तो स्पीकर हमारे क्या होते हैं, आपको पता भी होंगे, स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइसेस है जो कि डिजिटल सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, वॉइस सिग्नल्स। किसकी वजह, किसके हेल्प से, तो कंप्यूटर की हेल्प से बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर और ICT ही पढ़ रहे हैं, तो हमारा जनरली जो हमारा यूज़ आएगा यहाँ पे कंप्यूटर का ही आएगा। स्पीकर इज़ वेरी यूजफुल फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ वॉइस, इट इज़ मेनली यूज इन सेमिनार और मीटिंग्स में ये यूज़ किए जाते हैं। अब हमारा बात आती है मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, और ये आज का हमारा जो है लास्ट टॉपिक रहेगा। मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर इज़ यूज टू शो द कंप्यूटर स्क्रीन फिगर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑन ए लार्ज स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन पर दिखाने के काम आते हैं। सो ए ग्रुप ऑफ पीपल कैन सी इट इजीली, इट इज़ यूज फॉर मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। Nowadays it is mainly used in field of education. आजकल ये ज़्यादातर जो है यूज़ आते हैं किसमें, एजुकेशन में। उसके बात करें तो मेनली मैं बात करूँ कंपनीज़ वगैरह में, जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती है तो ये यूज़ आते हैं। गाइज वैसे तो टॉपिक ईजी है, आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैंने इसमें जो बात करूँ मैं डेफिनेशन वगैरह की, वो अवेलेबल करवाई गई है। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं वीडियो से तो अच्छी बात है, अगर आपको PDF फॉर्मेट में अवेलेबल चाहिए तो वो हमें आपको हमारे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसके ज़रिए आप जाके टेलीग्राम से एक पिन मैसेजेस पे चेक कर लीजिए, जो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल रहेंगे। तो आप को कोई भी क्वेरी होती है तो ज़रूर ज़रूर डालें।